नमस्कार दोस्तों, वाले इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें यह देखने वाले हैं कि पानी भारी होता है या फिर नमक पानी, क्योंकि ज़्यादा करके अक्सर पानी मुझे लगता है कि ज़्यादा भारी होता होगा और नमक पानी में जब कोई पदार्थ डूबता है तो पदार्थ जो है ऊपर की तरफ तैरने लगता है। तो यही एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि नमक पानी में कोई पदार्थ को डालते हैं तो वह डूबता है या नहीं, या पानी में डाल कर देखते हैं कि वह डूबेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एक डब्बा में पानी भरा है और इस पानी में साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आलू भी रखा हुआ है। और इस पानी में हम देखेंगे, सबसे पहले हम पानी में आलू को डुबा करके देखते हैं कि पानी में आलू डूबता है या फिर नहीं। तो चलिए हम फिलहाल पानी में आलू को डुबा करके देखते हैं कि पानी में आलू डूबता है या कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आसानी से पानी में जो है कि आलू डूब चुका है। और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी में आलू जो है पूरा तरीका से डूब चुका है। आप ऊपर से भी देख लीजिए, आपको हम इधर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि पूरा पानी में आलू जो है डूब चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस आलू को निकालते हैं और फिर किसी दूसरे तरीका से इसको डुबा करके देखते हैं। तो सिंपली हम इस आलू को निकालते हैं। चलिए इस आलू को हम निकाल लेते हैं और अब हम क्या करते हैं कि छोटा सा आलू है उसको डुबा करके देखते हैं कि यह आलू डूबता है या फिर नहीं डूबता है। तो उसको भी हम डुबा करके देखेंगे कि आलू डूबता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से पानी में जो एगो आलू है वो डूब चुका है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा आलू था जो वो भी डूब चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। सबसे पहले तो हम इस आलू को पानी में से निकालते हैं। तो निकालिए आलू पानी में से और आप देख सकते हैं कि हम आलू को पानी में से निकाल लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि हम नमक को, अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको इस पानी में जो है कि हम नमक को डालेंगे। तो पानी में हम चलिए नमक डाल लेते हैं। अब देख सकते हैं कि पानी में हम नमक डाल दिए, पूरा नमक को हम डाल देते हैं पानी में। और अब हम इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, पानी में नमक को जो है अब हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों अब जो है इस नमक को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको पूरा तरीका से, तो सबसे पहले हम इसको पूरा तरीका से मिक्स करेंगे ताकि पूरा पानी में जो है नमक मिल जाए। और चलिए हम इसको सबसे पहले मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद जो है इसको हम अच्छी तरीक़े से पहले तो मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले अच्छी तरीक़े से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको अभी हम पूरा तरीक़े से मिक्स कर रहे हैं। और जब पानी पूरा मिक्स हो जाएगा, नमक और पानी जो पूरा घुल जाएगा, जो पूरा मिल जाएगा, तो उसमें हम क्या है कि एक आलू को डुबा करके देखेंगे यह आलू डूबता है या फिर नहीं डूबता है। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को डुबा करके देखते हैं। अभी हमको पूरा नमक पानी मिल गया है, अब आलू को हम डुबा करके देखेंगे इसमें डूबता है या फिर नहीं डूबता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पानी में है आलू जो है डूब चुका है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब नहीं हुआ और लगभग पानी और नमक पानी दोनों सेम ही हुए, क्योंकि आलू जो है पानी में भी डूब चुका था और नमक पानी में भी डूब चुका है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि हम एक एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि पानी में आलू और डाले और नमक पानी में भी आलू डाले, तो दोनों में रिजल्ट जो है सेम ही मिला। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।